जल संचय जल भागीदारी योजना का पीएम नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ, कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधन। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ, सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का किया उद्घाटन, सीएम ने कहा रामायण के काल के पहले बलिदानी थे गिद्धराज जटायु। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिला के साथ फुटपाथ पर किया गया दुष्कर्म, दूसरा व्यक्ति बनाता रहा वीडियो, पीड़ित का कहना शराब पिलाकर किया गया दुष्कर्म। मध्य प्रदेश के रतलाम में शराब में धुत टीचर ने काट दिए छात्रा के बाल, नन्ही बालिका का वीडियो हो रहा जमकर वायरल, आरोपी टीचर को किया गया सस्पेंड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएन न्यूज पर, मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जेकेएनएस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में जिस तरह से मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर रोज चलाए जाते हैं, परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका निरीक्षण किया और कहा कि यह अवैध है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मस्जिदों और उनके साथ साथ मदरसों पर ताले लगाए जा रहे हैं वह तथ्य हमसे छिपे नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटक में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है कि निकाब हजाब हिजाब उतारो फिर जाओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहां पैदा करना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्रा के बाल की चोटी काटने का आरोप लगा है। आपको बताते चले, आरोप है कि टीचर शराब के नशे में धुत था और उसने बच्ची के बालों को काटा, और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्ची रो रही है और टीचर उसके बाल काट रहा है। इस दौरान उसने वीडियो बनाने वाले से कहा कि जो करना है कर लेना। इस संबंध में टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि डीएम ने आरोपी पर मामला दर्ज कराने की भी बात कही है। कलेक्टर राजेश बाथम ने मामले के सामने आने के बाद कहा कि सहायक आयुक्त रंजना सिंह को जांच के आदेश दिए गए थे और गुरुवार को आदिम जाति के कल्याण विभाग के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने बच्चे के बयान भी लिए हैं। इस दौरान पीड़ित बच्ची ने अफसरों को अपनी कटी हुई चोटी भी दिखाई। कल रात के 12:15 बजे मेरे पास ये वीडियो आया था। सुबह पहले मैंने उसकी जांच कराई और अभी भी मेरा जन शिक्षक वही है। रिपोर्ट्स उस टीचर के खिलाफ ही हैं। तो पूरी फाइनल रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, एक एक बच्चे का बयान आएगा, लेकिन प्रिमा फेसियल उसको मैंने सस्पेंड कर दिया। वीडियो में क्या दिख रहा है? वो बच्चे के हाथों में कैंची भी लिए और वो एक व्यक्ति जो वीडियो बना रहा है वो कह रहा है कि शराब पिए हुए, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उसको प्रोवोक कर रहा है बाकी है। लेकिन फिर भी जो भी स्थितियां हो, उसने जो आचरण किया टीचर ने वो शिक्षक के गरिमा और मर्यादा से भिन्न है। इसके आधार पे मैंने उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में नवनिर्मित एशिया के प्रथम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का आयोजित कार्यक्रम में उद्घाटन करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर एक क्षेत्र में हमने प्रगति की है। प्रगति के एक एक जीव जंतु के प्रति भी हमारा दायित्व बनता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बने जिसने 7 वर्ष में 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुने। मेट्रो की नई नई
सिटी मेट्रो की पब्लिक सर्विस के साथ जुड़ने का काम कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन साधन आज नगरीय क्षेत्रों में हम मेट्रो के माध्यम से दे रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी भी बेहतरीन तरीके से जुड़ रही है, लेकिन साथ साथ नौकरी और रोजगार की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुझे बताते हैं प्रसन्नता गिद्ध संरक्षण केंद्र में, जो जटायु संरक्षण केंद्र के रूप में है, इस जटायु संरक्षण केंद्र में केयरटेकर के रूप में यहाँ वनटांगिया से जुड़े हुए भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए, यानी लोकल स्तर पर ही उनको नौकरी भी प्राप्त हो जा रही है। यानी एक कार्य सरकार के द्वारा किया गया और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भी, प्रकृति को भी बचाना है, लेकिन प्रकृति के एक एक जीव और जंतु के प्रति भी हमारे यहां दायित्व बनता है और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आए हैं। यूपी पहला राज्य है देश का और दुनिया का पहला राज्य होगा जिसने 7 वर्ष में 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, आपने 2017 के पहले जंगलों की कटान के दृश्य तो देखे ही होंगे, और मुझे लगता है क्यों फतेह बहादुर सिंह जी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में टीबी के मरीजों का दस्तक ग्रहण फाउंडेशन ने सरकार के पोषण अभियान के तहत 17 टीबी के मरीजों को गोद लिया है, और जिससे 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए योगदान दिया जा सके। वहीं आपको बताते चले कि इन मरीजों को नियमित पोषण और देखभाल प्रदान की गई है। कुपोषित बच्चों का समर्थन, 40 कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया और साथ ही साथ उन्हें आवश्यक पोषक तत्व प्रदान किए गए हैं ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके और हमारा देश स्वास्थ्य और इसके विभाग में और भी मजबूत बन सके। हम ये जो प्रोग्राम है वो हमारे बड़े पिताजी नागेंद्र सिंह दाढ़ी बाबा जी का 25वीं पुण्यतिथि जो 6 सितंबर 2024 को होने वाली है, उनके सम्मान, उनकी श्रद्धांजलि सभा है। मेरे बड़े पिताजी श्री नागेंद्र सिंह दाढ़ी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर के संस्थापक हैं और उन्होंने को गोरखपुर में मालवीय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1964 में इस सरस्वती विद्या मंदिर की स्थापना की थी और अलग क्रांति जगाई थी। और सौभाग्य से उनका जो पुण्यतिथि है वो 5 सितंबर टीचर्स डे के बाद पड़ता है अगले दिन, और हमारे पिताजी और मेरे बड़े पिताजी दोनों लोग शिक्षक थे और शिक्षा जगत में ही काम करना उन्होंने अपना मुख्य उद्देश्य बनाया था। उनकी पहली श्रद्धांजलि सभा के समय नागेंद्र सिंह दाढ़ी बाबा सेवा संस्थान का गठन किया गया था, और कोविड के दौरान मेरी माताजी के देहांत के बाद कमलावती देवी ज्ञान एंड पोषण फाउंडेशन का गठन किया गया है, जो गुजरात में और उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। उसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान और पोषण है, जिसमें बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, जहां पर शुक्रवार को खीरी सर्विलेंस सेल क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बताते चलें कि सर्विलेंस सेल के क्राइम ब्रांच ने 60 मोबाइल फोनों को बरामद किया है और जिनकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है। खोए हुए फोनों को फोन के मालिकों को भी सुपुर्द कर दिया गया है और जिसके चलते उनके चेहरे खिलखिला उठे हैं। फोन प्राप्त कर लोगों ने पुलिस के कार्यों की सराहना भी की। प्रयास करते हैं कि क्योंकि ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन मिलती है जिनमें लोगों के मोबाइल खो जाते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन लगातार मिलती रही। उसी क्रम में हम लोगों ने हमारी जो सर्विलांस टीम और स्वाट टीम सोजी की है, इन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन करके कुल 60 मोबाइल बरामद किए हैं जिसकी कीमत कुल 9 लाख रुपए है। और इसके लिए हम लोगों ने टीम को कप्तान साहब की तरफ से 20,000 रुपये का इनाम भी दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सिंगापुर के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के उच्च स्तर तक बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री की सिंगापुर की यात्रा के दौरान नए युग की तकनीकों, कौशल विकास, शिक्षा पर सेमी कंडक्टर मिशन पर कुछ बहुत बड़ी पहल अंतरिम रूप दिया गया है उसे। और आपको बताते चले आगे उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया का एक कार्यालय खोलने के लिए भी घोषणा कर चुके हैं। Relationship with Singapore has been elevated to a
much higher level, a strategic partnership. Some very big initiatives were finalized during Prime Minister Modi's visit on new age technologies, the semiconductor mission, on skill development, education. He has also announced the opening of an office in Singapore of Invest India and NITTECH, which will provide a single window facilitation for investors and partners who are coming into India for developing modern technologies and technology-based industries. This office will expand to become an office to serve the ASEAN region going forward. So it's a wonderful new initiative. I thank the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for giving us the encouragement and support to look outward so that for the first time now, India's investment promotion will not be only from India, but will have an outreach. पंजाब के भटिंडा में गुरुवार को दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। शहर के 100 फीट रोड पर एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी की टक्कर से स्कूली बच्चों का एक ऑटो बीच सड़क पर पलट गया। हादसे में ऑटो में सवार लगभग 12 बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें सहारा जन सेवा और नौजवान वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने उपचार के लिए सिविल अस्पताल में एमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवाया गया, जिनका उपचार अभी जारी है। मेरा नाम विक्की है जी, सहारा जनसेवा वर्कर है। अज साडे सहारा कंट्रोल रूम थाने 551-33333 ते कॉल आई सी कि भग रोड कोले के एक आटो पलट गया जी, ते कार ते आटो दी टक्कर होई है, जिथे कि 12 बच्चे सहारे टीम सिविल हॉस्पिटल लेके आई है। अच्छा, किस किस चीज दी टक्कर? ए जी, कार ते आटो दी टक्कर होई है। ए कहंदे वी आटो निकल रिया सी मोड़ तों ते कार ते सी विच आ के बची। अच्छा, हालात की ने? हालात यूं ठीक है, बाकी थोड़ी मोटी सट्टां ते इलाज चल रहा उहनां दा। ਇਹ ਜੀ ਟੋਟਲ 12 ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਅਜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੱਟ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਹਿੱਟ ਗਈ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब हमारी सरकार 2005 में आई थी, तब स्वास्थ्य क्षेत्र की हालत बहुत ही खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, दवा और अन्य सुविधाओं की कमी थी, लेकिन 2006 में अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई। और पहले की सरकार क्या करती थी, यह सुनिए उन्होंने इसके आगे क्या कुछ कहा। लेकिन एक बार जान लीजिए, स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था? स्वास्थ्य व्यवस्था हालत खराब थी, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब करीब 39 मरीज ही आते थे, यानी एक दिन में एक या दो, ये कुल मिलाकर के एक महीने में उतना होते थे, इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई और इसके शुभारंभ के लिए तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री भैरव सिंह शेखावत जी पटना आए थे, उन्हीं को हमने अनुरोध किया था, वो आए थे और उसी में उद्घाटन हुआ। तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतजाम हुआ, तो ये सब काम शुरू कर दिया गया। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई, अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई और मुफ्त स्वास्थ्य जांच एम्बुलेंस की सुविधा की गई। ये सब काम कराया गया। अब सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई है, अब जिसके कारण आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी जो आपको पहले बता रहे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 मरीज, लेकिन अब इतना काम किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। तो आप समझ। अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी जारी है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी का मानना है कि सत्ता में रहने के लिए बीजेपी साम दाम ढंड भेद
हथकंडे अपनाती है। पहले पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है और जब पार्टी के लोग नहीं टूटते तो नेताओं के पीछे सरकारी एजेंसियों को लगा देती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। देखिए, ये भाजपा का लगातार जो दुरुपयोग है एजेंसीज का, इसको बंद करना होगा। ऐसी नकारात्मक राजनीति को बंद करना होगा। आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा चुनावी मैदान में तो जीत नहीं पाती, तो बार बार चुनाव से पहले वो हमारे नेताओं को गिरफ्तार करती है, हमें बदनाम करने की कोशिश करती है। अमानत जी के केस में भी उनको ऑलरेडी बेल मिल चुकी है कोर्ट से इसी केस में, और कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ना इनके खिलाफ कोई इरेगुलरिटी का मामला है और ना ही कोई ब्राइब का लेने का देने का प्रमाण सामने आया है। फिर सीबीआई ने इसी मामले में जांच की, सीबीआई ने भी कहा कि फाइनल चार्जशीट में लिखा हुआ है कि कोई मामला नहीं है अमानत जी के खिलाफ। अब उसी केस में ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि ईडी के केस में बेल मिलना मुश्किल होता है। हमारे नेताओं को इन्होंने हर बार चुनाव से पहले गिरफ्तार किया, चाहे संजय सिंह जी हो, उनको 6 महीना जेल में रखा चुनाव से पहले। विजय नायर जी 23 महीने बाद छूट के आए, वो भी चुनाव से पहले गिरफ्तार किए गए थे। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने बाद जमानत मिली। सत्येंद्र जैन जी, अरविंद केजरीवाल जी अभी भी जेल में है, उनकी भी जमानत जल्द होगी। ये डर है आम आदमी पार्टी का भाजपा को, जो चुनावी मैदान में लड़ नहीं पाते। अरविंद केजरीवाल जैसी नीतियां वो अपने किसी स्टेट में नहीं दे पाते और उनको हमारा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी ने अपना आंदोलन पहले से भी तेज कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, कई सवाल उठाए। सीएम मान ने कहा कि हरियाणा की जनता अब बदलाव चाहती है, अक्टूबर में यहां ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी वाले हरियाणा के नौजवानों से कह रहे हैं कि हम नौकरी दे सकते हैं, रूस में जंग चल रही है, वहां चले जाओ और उनकी सेना में भर्ती हो जाओ। पूरे हरियाणा की जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। 78 साल हो गए देश को याद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काटने की बात सोच रहे हैं कि मंगल ग्रह के ग्रह पे प्लाट काटेंगे, और हमारे से अभी कलायत के सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए। अभी तक सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए, हजे तक पिंडां दियां समस्यावां पूरा नहीं होईयां। पिंडां दे छप्पड़ टोबे उत्थी खड़े हैं जी। कहां गया देश? 78 साल हो गए, कहां चले गए हम? और हमारे बच्चों को खट्टर साहब कह रहे हैं रशिया चले जाओ। शर्म आनी चाहिए इनको, रशिया जाके फौज में भर्ती हो जाओ। उनकी जंग लगी हुई है यूक्रेन के साथ, उनको फौजियों की जरूरत है। ये बात कह रहे हैं आपके बच्चों के लिए। मैं हैरान हूं इन पर, कभी अपना बेटा या अपना भतीजा भेजोगे वहां? हमारे बच्चों को कह रहे हैं जंग में शामिल हो जाओ, नौकरी नहीं दे सकते। शर्म आनी चाहिए यार इनको। फिर भी कमल के फूल और इसमें फंसे रहोगे इनके चक्रों में। इनको उखाड़ के बाहर फेंको। मैं सभी जगह गया भाई साहब, बहुत हर दूसरे तीसरे दिन मेरी हरियाणा में ड्यूटी लगी होती है, जैसे आज है। मैं रानिया गया, मैं सिरसा गया, मैं फतेहाबाद गया, मैं किल्यावाली गया, मैं नारायणगढ़ गया, मैं पेवा गया, मैं मुरथल गया, मैं भिवानी गया, मैं चरखी दादरी गया, मैं आपके पास आज आया हूं, इसके बाद जाखल जा रहा हूं, अगले दिनों में नरवाना आऊंगा, फिर गुला चीका जाऊंगा, मैं अगले शाहबाद भी जाऊंगा। मेरे ख्याल में इतने तो आपके मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा शहरों के नाम के, हरियाणा में इतने हैं भी। मैं जहां भी गया लोगों ने एक ही बात बोली, जी हमारा पीछा छुड़वा दो भाजपा वालों से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बताते चले कि पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी नेता पवन खेड़ा, हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख उदय भान के साथ साथ दीपक बाबरिया इस समय मौजूद रहे। पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ
क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है, जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।